वफाकी हुकूमत की कोरोना मईशत और टिड्डी दल पर कोई प्लानिंग नहीं, बातें लंबी लंबी करते हैं, इकदामात कुछ भी नहीं करते। हुकूमत ने हर वक्त गिरेबान और गर्दन से दबाया हुआ है। लीग रहनुमा साद रफीक की पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा चाहते हैं सब जेलों में हों, जमानतों पर मातम करना शुरू कर देते हैं। अपोजिशन का इकट्ठा न होना अलमिया है, हम सब जिम्मेदार हैं। बातें आप करते हैं, लंबी लंबी छोड़ते हैं, अब तक कोई अमली इकदाम नहीं किए गए। अपोजिशन की तरफ आ जाएं, ये टाइम है कि हम मिलके चलते हैं, हुकूमत और अपोजिशन, कौमी चैलेंजेस जो हैं या इस तरह के जो डिजास्टर हैं उन्हें मिलके उनके चैलेंज को मीट करते हैं। मिलने की कोई सूरत ही नहीं है। आपने हर वक्त गिरेबान से और गर्दन से दबोचा हुआ है और आप चाह रहे हैं कि लोग जेलों के अंदर रहें, जमानत हो तो आप मातम शुरू कर देते हैं हुक्मरान की, इनकी जमानत अदालत से क्यों हो गई है, पकड़े जाएँ तो आप खुशियाँ मनाते हैं। जिस मुल्क में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ को हर वक्त कटहरे में खड़ा किया जाए और हिज़्ब इख्तलाफ जो है उसको आप सांस ना लेने दें, वहाँ कौन सी जमहूरियत है? तो ना इस मुल्क में कोई जमहूरियत है, ना कोई गवर्नेंस है। इस हकूमत ने पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को एक जंगल में तब्दील कर दिया।